दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत अक्षर पटेल को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दिल्ली की टीम की हार और उन्हें लगभग आईपीएल से बाहर होता हुआ देखने के बाद अब तो ऋषभ पंत का भी गुस्सा फूट चुका है। आखिरकार कप्तान वार्नर से लेकर पूरी दिल्ली की टीम और खास तौर पर अक्षर पटेल पर क्या बोले हैं ऋषभ पंत, आपको उनके बयान का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, ऋषभ पंत और डेविड वार्नर में दिल्ली का बेहतर कप्तान कौन है, नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2023 का एक और बेहद ही रोमांचक मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स की टीम के बीच में अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया। ये दोनों ही टीमें दोस्तों लगभग आईपीएल से पार होने की कगार पर हैं। ऐसे में मुकाबला जीतना इनके लिए रेगिस्तान में पानी पीने जैसा बन चुका था। खैर दोस्तों, मुकाबला शुरू होता है और इस बार सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की शुरुआत में ही अभिषेक शर्मा ऐसी बल्लेबाजी करते हैं कि देखकर किसी को आंखों पर यकीन नहीं होता। 36 गेंदों में दोस्तों ये खिलाड़ी 12 चौके और एक छक्का लगाकर 67 रन की पारी खेल जाता है। आपको इतनी कम उम्र में इतने ज्यादा रन बनाएगा तो जाहिर सी बात है यकीन तो नहीं होगा। लेकिन दूसरे छोर से दोस्तों मयंक अग्रवाल, राहुल त्रिपाठी, मार्करम और यहां तक कि हैरी ब्रुक सब फ्लॉप रहे, किसी के भी 10 से ज्यादा रन नहीं थे, सिवाय दोस्तों क्लासेन के जो 27 गेंदों में 53 रन चढ़ गए, अब्दुल समद के जो 21 में 28 लगा गए और यही दो पारियां थी जो संपूर्ण संपन्न बना गई आज हैदराबाद के स्कोर को। 197 रन बन चुके थे और 198 का टारगेट दिया गया दिल्ली कैपिटल्स की टीम को। 200 लक्ष्य वाकई में बहुत बड़ा था और इसे चेस करने के लिए अच्छी शुरुआत और उतनी ही तगड़ी पार्टनरशिप्स भी चाहिए थी। दिल्ली की टीम की तरफ से दोस्तों आज कप्तान साहब 3 गेंदे खेलकर शून्य पर भुवनेश्वर की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। शून्य पर इनके आउट होने के बाद फिर भी दोस्तों फिलिप सोल्ट और मिशेल मार्श ने 35 में 59 और एक ने 39 में 63 रन चढ़े। मतलब कि दोस्तों दिल्ली की टीम को वो शुरुआत तो मिल गई थी जो जीत के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। फिर भी मिडल ऑर्डर में मनीष पांडे 1 रन, सरफराज खान 9 रन, प्रियांगर 212 रन पर आउट हो गए। इन सभी खिलाड़ियों के आउट होने के बावजूद भी दोस्तों अक्षर पटेल पर जीत की सारी उम्मीदें टिकी थी, लेकिन रनों का अंतर इतना ज्यादा हो गया कि अक्षर की 14 गेंदों में 2 छक्के और 1 चौके वाली 29 रन की पारी भी आज दिल्ली की टीम को जिताने में पूरी तरीके से सक्षम नहीं हो पाई और 9 रन के अंतर से दिल्ली की टीम को इस मैच में हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों दिल्ली की टीम की ये हार उन्हें पॉइंट टेबल में सबसे नीचे घसीट लाई है और वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली की टीम ही आईपीएल सबसे पहले बार होगी। लेकिन दोस्तों दिल्ली की टीम की हार पर पंत ने भी कुछ कहा है, आखिरकार भड़कते हो दोस्तों पंत क्या कहेगा, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों ऋषभ पंत ने हाल फिलहाल में ही अपने बयान में कहा, दिल्ली की टीम को इस कदर लगातार हारता हुआ देख कर और आज खास तौर पर बहुत ज्यादा दुखी हूँ। दिल्ली की टीम हमेशा से ही मेरे दिल के बेहद ही करीब रही है और हमेशा से चाहता था कि दिल्ली की टीम इस बार के सीजन में मेरे बिना भी अच्छा प्रदर्शन करे और आगे बढ़े, कम से कम प्लेऑफ तक तो जाए। लेकिन आज दिल्ली की टीम की हार को देखकर दिल बहुत ज्यादा दुख रहा है। इस मैच में हमारी गेंदबाजी को मैं सबसे बड़ा विलन मानता हूँ। आज गेंदबाजों ने लगता है कि बिल्कुल भी काम नहीं किया। एसआरएच की टीम पर कैसे डिफेंड करना है, कब कब विकेट्स लेने हैं, क्योंकि शुरुआत अच्छी होने के बावजूद भी हमारी टीम के खिलाड़ी रन ज्यादा देते चले गए। नौरखिया ने भी 4 ओवर में 40 रन लुटा दिए। इतने रन अगर सक्सेसफुल गेंदबाज लुटाएंगे तो बाकी तो अपने आप पीछे रह जाएंगे। और जब बल्लेबाजी की बात आई तो ना तो वार्नर चल पाए, ना ही मिडिल ऑर्डर में किसी खिलाड़ी ने एक सहयोगी पारी खेली, वरना 9 रन से हारना मुझे लगता है कि इससे ज्यादा शर्मनाक हार इतने बड़े लक्ष्य को चेस करते हुए क्या ही हो सकती है। अक्षर ने तो अच्छी बल्लेबाजी करी, वो प्रयास करते हैं टीम को जिताने का हर एक उस एंगल से जहां से पॉसिबल हो, लेकिन अफसोस उसके बावजूद भी हम इस मुकाबले को जीत नहीं पाए। आज लग रहा है कि दिल्ली की टीम के साथ होता तो इस हार को जीत में तब्दील करने के लिए हर एक पुरजोर कोशिश करता और उसे कामयाबी बनाकर दिखाता। बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आने वाले मुकाबले हमारी टीम जरूर जीतेगी। दोस्तों दिल्ली की टीम के साथ नहीं है ऋषभ पंत अपनी चोट के चलते, लेकिन दिल तो दिल्ली के पास ही है। परंतु आप सभी को क्या लगता है, वाकई में दोस्तों दिल्ली की टीम का बेहतर कप्तान कौन है, पंत या वार्नर? और अक्षर में भी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।